गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग SM का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और उस नया चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 4, दैट डील्स विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। लास्ट क्लास अपने चैप्टर 8 खत्म किए होंगे। चैप्टर 8 में मेरा एक पन्ना बाकी रह गया है, एक पन्ना का जो टॉपिक है वो हम जब टाइम मिलेगा तब आपको कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे भी वो उस चैप्टर का रिलेशन नहीं रखता, वो किसी दूसरा चैप्टर से रिलेशन रखता है चैप्टर नंबर 3 से। तो व्हेन वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 3, वो एक टॉपिक जो रहेगा वो मेरा हिसाब किताब है, ठीक है। मुझे याद दिलाने का दरकार नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप पढ़ा दूंगा। अभी आइए नया चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सा, दैट डील्स विद व्हाट, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। सो लेट अस स्टार्ट। चैप्टर का नाम बताइए, कौन बनाता है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल के लोअर? इट मींस चूजिंग द इंडस्ट्रियल लाइन। फर्स्ट क्लास में बात किए थे, बट किसी का हो सकता है 9-10 क्लास छूटा हुआ हो और आज फर्स्ट क्लास हो, जंतर। तो ये फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मींस चूजिंग एन इंडस्ट्रियल लाइन। जैसे आपका आज फर्स्ट क्लास है, हाँ है ना, आपका तो फर्स्ट ही है ना। और आपका सेकंड क्लास है तो फिर भी ये वाला क्लास जो है ना आज का समझ में आ जाएगा। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पुराने कोई चैप्टर के साथ कोई भी प्रकार का रिश्ता ना था, कोरिलेशन पूरा समझ में आ जाएगा। खाली इतना समझ जाओ, ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होता है ना, इसमें लोग इंडस्ट्री चूज करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में क्या चूज करते हैं, इंडस्ट्री चूज करते हैं कि कौन से इंडस्ट्रियल लाइन में जाना है। अब जैसे रिलायंस में, ठीक है, इन लोग रिलायंस में जब जियो लॉन्च किया, रिलायंस जियो लॉन्च किया, तो मिडिल मैनेजमेंट का फैसला रहा होगा रिलायंस जियो लॉन्च करना कि लोअर मैनेजमेंट का? मुकेश भैया, नीता भाभी बातचीत किए होंगे आपस में, बच्चों के साथ बातचीत किया होगा, टॉप मैनेजमेंट का तो फैसला था ना रे बाबा। सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मीन्स चूजिंग द इंडस्ट्रियल लाइन, इट मीन्स चूज द इंडस्ट्रियल लाइन एंड इट इज सेलेक्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट। पक्का टारगेट ऐसा रखना है, नया चैप्टर है साथ साथ समझ में आया, ठीक है। चलो अब जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होता है, अभी तक हम लोग दो बात सीख गए, इट मीन चूजिंग द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच वी वॉन्ट टू ऑपरेट एंड इट सिलेक्टेड बाई टॉप मैनेजमेंट। दीज आर ऑल्सो ऑफन नोन एज ग्रैंड स्ट्रैटेजीज। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का और एक नाम क्या होता है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी। एंड दिस कॉर्पोरेट यानी ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। दिस कॉर्पोरेट यानी ग्रैंड स्ट्रैटेजी कैन बी ऑफ फोर टाइप्स। एक होता है स्टेबिलिटी नाम का स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी, ठीक है। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कैन बी स्टेबिलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन लोग एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। नाउ एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन कैन बी इंटरनल ऑल्सो, एक्सटर्नल ऑल्सो। इंटरनल इज नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्सटर्नल इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रोथ। सम ऑर्गेनाइजेशन कैन फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी, सम कैन फॉलो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इफ टेक्स प्लेस इंटरनली, इंटरनल एक्सपेंशन इज नोन एज ऑर्गेनिक ग्रोथ। But after the organic growth becomes saturated, if still growth is wanted, but the organic growth has become saturated, if still growth is wanted, it has to take place inorganically. Inorganic growth मतलब merger, expansion, किसी को take over करना। हर organization पहले internal growth करता है, but internal growth कितना होता है, organic है, saturation point आएगा ही, तो फिर वो merger expansion करता है। जैसे तुम लोग देख लो, तुम लोग जितना जब पैदा हुआ था उतना ही है कि ग्रोथ हुआ, इंटरनल ग्रोथ हुआ, नहीं समझ आया, किडनी विडनी दिमाग को छोड़ दो, नहीं दिमाग भी ठीक है, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, हार्ट लंग्स वगैरह 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 वगैरह, ये सब कौन सा ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। अभी भी ग्रोथ हो रहा है, हाथ वात अभी भी निकल रहा है तुम लोग का,
हो गया जो होना था, समझाया? अब डेड सेल्स, अब बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, दीज आर डेड सेल्स, अब तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा, समझाया? वैसे बिजनेस में होता है, बिजनेस में भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जब हम लोग और अंदर से ग्रो नहीं कर सकते. इंटरनल ग्रोथ जो है, इट टेक्स प्लेस बाय प्लॉइंग बैक अ प्रॉफिट. इंटरनल ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय प्लॉइंग बैक अ प्रॉफिट, मींस री इन्वेस्ट इन द प्रॉफिट अगेन एंड अगेन. वी अर्न द प्रॉफिट, वी री इन्वेस्ट, वी अर्न द प्रॉफिट, वी टिल देर इज अ ग्रोथ. बट वंस ग्रोथ रिड्यूसेस, देन विल स्टॉप री इन्वेस्टिंग अवर प्रॉफिट, रादर विल गो फॉर एक्सटर्नल ग्रोथ, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर. अब थ्रू विद दिस, पहले क्या करोगे? ऑर्गेनिक ग्रोथ की इनऑर्गेनिक ग्रोथ? ऑर्गेनिक ग्रोथ विच इज इंटरनल, टेक्स प्लेस बाई प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट. एक्सपेंशन में पहले क्या करोगे? ऑर्गेनिक ग्रोथ इज इंटरनल, ऑर्गेनिक ग्रोथ इज इंटरनल, टेक्स प्लेस बाई प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट. But once organic growth stops or becomes slow, still if you want to have the expansion, then you have to go for external growth, inorganic growth. Inorganic growth is external, which takes place by merger, acquisition, takeover. Makhan. Yes, sir. Slow ki fast. Slow. Inorganic is fast. Ganja wanja mat phook karke aao. Organic growth fast hai. Ki slow hai. और इनऑर्गेनिक ग्रोथ तो एक झटके में हो जाएगा ना रे बाबा. पैसा है तो तुम सामने वाला धंधा क्या कर लेगा? टेक ओवर. हो गया ग्रोथ, मिल गया मार्केट शेयर. टाटा मोटर पहले क्या किया था? टाटा मोटर पहले ऑर्गेनिक ग्रोथ किया, ऑर्गेनिक ग्रोथ किया, फेल हो गया, नहीं हो रहा था. फिर उसने जैगवर कंपनी और लैंड रोवर कंपनी को खरीदा. टाटा मोटर एक्वायर्ड जैगवर एंड लैंड रोवर, ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक ग्रोथ है. एक झटके में उसको पूरा चाइना मिल गया, चाइना में जो मार्केट शेयर था, अमेरिका में जो मार्केट शेयर था. बुद्धि में नहीं जा रहा है. सो ऑर्गेनिक ग्रोथ इज स्लो प्रोसेस, इनऑर्गेनिक ग्रोथ इज फास्ट प्रोसेस. पक्का? ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग. इसमें हम लोग कैपिटल क्या करेंगे? रीस्ट्रक्चर, फ्लोइंग बैक अ प्रॉफिट. ये कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग है. हो सकता है धंधा का नाम भी बदल जाए. हम सामने वाले के साथ मर्जर करेंगे तो हो सकता है बिजनेस का नाम बदल जाए, एंटिटी बदल जाए, शेयर होल्डर बदल जाए, डायरेक्टर्स बदल जाए. बट ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या डायरेक्टर बदलेगा क्या? बट इनऑर्गेनिक ग्रोथ में तो डायरेक्टर, शेयर होल्डर सभी बदलेगा. अभी आइडिया का नाम क्या हो चुका है? वोडाफोन आइडिया. पता ही नहीं है लोगों को. मर्जर के बाद वोडाफोन आइडिया का नाम ही चेंज हो गया, वोडाफोन आइडिया. तो वोडाफोन आइडिया इज ऑर्गेनिक ग्रोथ की इनऑर्गेनिक ग्रोथ? इनऑर्गेनिक ग्रोथ. इट विल चेंज द कैपिटल की एंटायर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगा, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, एवरीथिंग विल चेंज इंक्लूडिंग द नेम. ऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या तुम्हारा मैनेजमेंट, डायरेक्टर, शेयर होल्डर नाम चेंज हो जाएगा? कि कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. स्लो फास्ट जनरली टेक्स प्लेस बाय री इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट, जनरली टेक्स प्लेस बाय फाइनेंस, जनरली टेक्स प्लेस बाय reinvesting the profit, generally takes place by finance, slow, fast, capital restructuring, corporate restructuring. संभालते जा रहे हैं, खत्म नहीं हुआ अभी. अब ये जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है ना, ये तीन प्रकार का होता है. एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन कैन बी ऑफ इंटरनल यानी ऑर्गेनिक, एक्सटर्नल यानी इनऑर्गेनिक. इट टेक्स प्लेस बाय प्लॉइंग बैक अ प्रॉफिट, इट टेक्स प्लेस बाय फाइनेंस. इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ फास्ट प्रोसेस. कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. नाउ ऑर्गेनिक ग्रोथ विच टेक्स प्लेस इंटरनली कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आज से चार पांच क्लास पहले पढ़े थे, पांच छह क्लास पहले पढ़े थे. कैन एनीवन डिफाइन पांच छह क्लास पहले का मार्केट पेनिट्रेशन? रेज योर हैंड एंड डिफाइन व्हाट इज मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन, वेरी गुड. सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन. जिनको नहीं आता सुन लो, अभी
इट मीन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट मोर अग्रेसिवली, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट मोर अग्रेसिवली, दैट इज व्हाट मार्केट पेनिट्रेशन. ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है भाई, ऑर्गेनिक ग्रोथ. कोलगेट, पेप्सोडेंट, दिन में दो बार. उन लोग क्यों बोलता है दिन में बार यूज करने? अबे तभी तो जल्दी खत्म होगा और उन लोग का माल बिकेगा. वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उन लोग का. सेम प्रोडक्ट है क्या? हाँ, सेम मार्केट है क्या? हाँ, सभी मंजन करते हैं. कोई नया कस्टमर तो ढूंढ नहीं सकेंगे कि डॉग लोग को भी कराओ. तो प्रोडक्ट भी क्या है? एग्जिस्टिंग. मार्केट भी, तो सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट मोर अग्रेसिवली, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन. तो इसलिए तुम देखोगे टूथपेस्ट वाला लोग का जितना भी स्ट्रेटेजीज रहता है, उन लोग यही बोलता है कि भाई दिन में दो बार लगाओ. नहीं सुना? ये उन लोग का स्ट्रेटेजी रहता है. मार्केट पेनिट्रेशन करता हूं लोग ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए, अपना धंधा को बढ़ाने के लिए. पक्का? मार्केट डेवलपमेंट, जिस चीज का डेवलपमेंट बोलेंगे वो नया होगा. या मार्केट डेवलपमेंट में मार्केट नया मतलब सेलिंग एग्जिस्टिंग, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट. सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट. जैसे अगर हम किसी नया शहर में फ्रेंचाइजी खोलते हैं, क्या हम नया सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है ना, न्यू मार्केट, नया मार्केट डेवलप करना, मार्केट डेवलपमेंट. पक्का? तो ये भी तो ऑर्गेनिक ग्रोथ ही होगा ना रे बाबा. सोचो ना, अगर हम किसी दूसरा शहर जहां मेरा फ्रेंचाइजी नहीं है वहां वो फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, तो ये तो क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ थोड़ी ना, एक्विजिशन कर ले रहे हैं, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा. सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नया प्रोडक्ट होगा. सेलिंग न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, सेलिंग नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट. जैसे तुम लोग का एग्जांपल नहीं देते. प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट. ये कोई सिखाया है हम लोग को? एप्पल कंपनी. ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम लोग को स्टीव जॉब सिखा करके मरा, कि कैसे सेम इंसान को हर साल चेपेंगे. स्टीव जॉब ने सिखाया. स्टीव जॉब सुने हो? फाउंडर ऑफ एप्पल. ठीक है, तो स्टीव जॉब वो माहिर था ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. पहले फोन निकाला, फिर थोड़ा सा चेंज किया नया फोन, फिर थोड़ा सा चेंज किया नया मॉडल, नया मॉडल, नया मॉडल. कस्टमर वही है, प्रोडक्ट नया, कस्टमर वही, मार्केट वही, प्रोडक्ट नया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी है भैया, गंदा है भाई, गंदा है. जैसे हल्का सा चेंज कर देगा, कभी आईफोन बड़ा कर देगा, कभी छोटा कर देगा, कभी पतला कर देगा, हो गया नया प्रोडक्ट. नहीं समझाया? दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सेम मार्केट, कस्टमर भी वही, माल नया, ताकि धंधा बढ़े. सारा मोबाइल कंपनी लोग यही करता है. तुम देख लो, नोट 8, नोट 9, नोट 10 चलते जाएगा इन लोग का. थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा डेस्क लोग, एक बार में नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा. दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और फिर मन करेगा अपग्रेडेड सेट लेने का, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. बुद्धि में नहीं जा रहा? इस मार्केट में कैसा हो सकता है तुम लोग को? तुम लोग को क्या हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके दे सकते हैं? इस इंडस्ट्री का बात हो रहा है, हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं. हम जो पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम है, समझ में आया? हम इस इंडस्ट्री का बात कर रहे हैं. होता ही है, सेम मार्केट को नया प्रोडक्ट. जैसे आजकल लोग एक्सेल ट्रेनिंग के नाम पर फीस लेते हैं, एक्सेल सिखाएंगे. नहीं समझ आया? एक्सेल, उसका 5,000. मार्केट क्या है?
सेम, नया प्रोडक्ट, नहीं समझ आया, अलग अलग चीज, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, आर्टिकल सिप का कोर्स क्या बकवास कर रहा है, उसका भी होता है, हा? आर्टिकल सिप में क्या करना है, ज्वाइन कैसे करना है, पैसा देकर के, फीस देकर के आर्टिकल सिप करना सिखाएंगे, है ये गलत नहीं बोल रहा है, ये क्या हो गया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नहीं समझ आया, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि और कैसे, मतलब बच्चा लोग बोला सर 3 साल तो करना ही आर्टिकल से, वो कैसे करना है उसका कोर्स, उसका भी ट्यूशन हाइट है यार, तो ये सब क्या हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा नया प्रोडक्ट ताकि धंधा बढ़े और गंदगी, नहीं समझा, जैसे मेरे दिमाग में लगभग अब 3 साल हो गया, 2 से 3 साल हो गया एक नया प्रोडक्ट के बारे में सोचते सोचते, बाद में लॉन्च करेंगे, बट हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा बिजी रहता है कि कहीं कोई कोना खाली नहीं रहता, नहीं समझ आया, कहीं कोई कोना खाली नहीं रहता, हाँ नहीं वो कोर्स जो है वो भयानक कम आएगा, सारा का सारा आरओसी फाइलिंग कंप्लायंसेस प्रैक्टिकली, नहीं समझ आया, जो तुम थ्योरी में सीखा है, हालांकि हम तो तुमको प्रैक्टिकली सिखाते ही हैं एमसीए का वेबसाइट वगैरह में, बट उसका एक टाइम बाउंडेशन रहता है ना रे बाबा, तो एक ऐसा कोर्स जिसमें खाली प्रैक्टिकल हो, खाली प्रैक्टिकल, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से कंपनी वाइंडिंग अप, प्रैक्टिकली तुमको प्रोविजन टैक्स प्रोविजन जो है भाड़ में गया तुमको करना आता हो, नहीं समझाया, तो कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बताओ, कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, वो हो जाएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अरे तुम ही लोग को ट्रेनिंग मिलेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा नया, नहीं समझाया, तो कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस कैसा कोर्स होगा, बट जगह ही नहीं है, ऊपर में ऑफिस था वो भी तोड़ करके वर्चुअल रूम बना दिया गया फर्स्ट फ्लोर में, तो ठीक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट समझ में आया क्या हो रहा है, तो देखो एक्सपेंशन जो रहेगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अरे यार इंटरनल इज ऑर्गेनिक ग्रोथ, मार्केट पेनिट्रेशन, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, जो डेवलप होगा वो नया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, एक्सटर्नल ऑल्सो कॉल्ड, नाउ इट कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, एक्सटर्नल ग्रोथ कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन, नाउ वर्टिकल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, क्या हुआ इंसेप्शन मूवी, हाँ किसके अंदर है हम लोग, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के अंदर एक्सपेंशन, पहला वाला तो स्टेबिलिटी था, दूसरा वाला कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का दूसरा स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक का 4 और वर्टिकल का 2, पहला वाला का 2, संभाल रहे हो ना, नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई उपाय नहीं है, गोदी में बढ़ा करके समझा रहे हैं एक एक चीज, दूसरा वाला क्या था, ऑर्गेनिक, इतना तो सिंपल है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, इतना सिंपल है, वर्टिकल फॉरवर्ड, वर्टिकल बैकवर्ड, वर्टिकल हो गया तो एक हॉरिजॉन्टल, कंसेंट्रिक बोलो, कॉन्ग्लोमरेट बोलो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंसेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंसेंट्रिक कॉन्ग्लोमरेट, सबसे पहले वर्टिकल, एक ही बार समझाएंगे ध्यान लगा करके सुनना, एक ही बार समझाएंगे, समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो फिर दूसरी बार समझाएंगे, वर्टिकल इंडिकेशन, ये तो समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में मर्जर होगा, एक्विजिशन टेक ओवर होगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ है ना रे बाबा, एक्सटर्नल इज व्हाट, इनऑर्गेनिक, मर्जर एक्विजिशन टेक ओवर,
when merger takes place between two businesses, when merger takes place between two businesses, merger takes place between two businesses who are operating at different stages of production supply chain. Merger takes place between two businesses operating at different stages of production supply chain. Merger is between two businesses. Merger takes place between two businesses operating at different stages of production supply chain. Different stages of production supply chain. There is a production supply chain. Someone will make raw material. I will buy the raw material and make finished good. Transport company will do the shipment. This is a production supply chain. Raw material wala. मैं फिनिश गुड बनाने वाला, ये ट्रांसपोर्टर जो मेरा माल ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट करता है, क्या मेरा एम्प्लॉय है? ये ट्रांसपोर्टर मेरा एम्प्लॉय है? नहीं, दूसरा बिजनेस है ये. रॉ मटेरियल मेरा वाला मेरा एम्प्लॉय है? किसका? ये बिजनेस है. और हम फिनिश गुड बनाने वाले, बिजनेस है. बट वी आर कनेक्टेड इन द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन. Our chain of production supply same. Chain बनाए ऐसे पकड़ करके इन लोग को. Chain बना दे इन लोग को पकड़ करके. ऐसे समझ. तो raw material का business है, finished good manufacturer, transporter. अब expansion करना है. मैंने क्या सोचा, ये raw material वाला है ना, इस पैसा बहुत है अपन के पास, रॉ मटेरियल वाला को खरीद ही लेते हैं, इसका बिजनेस को ही खरीद लेते हैं. नहीं बन रहा. मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन. दिखाई दे रहा होगा सब कुछ. मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट सेम स्टेज के डिफरेंट स्टेज, डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन. प्रोडक्शन सप्लाई चेन सेम, वी आर ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस एंड मर्जिंग. This is called vertical integration. अब finished good वाला पहले वापस से vertical integration का definition सुन लो. Vertical integration is a merger between two businesses. Vertical integration is a merger between two businesses operating at different stage, different stages of the same production supply chain. Merger between two businesses operating at different stages of the same production supply chain. अब वर्टिकल हो गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड हमको नहीं बताना है, वो तुम खुद से समझ जाएगा. फिनिश गुड वाला रॉ मटेरियल को टेक ओवर कर लिया, ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड है? फिनिश गुड बनाने वाला रॉ मटेरियल को अक्वायर कर लिया, बैकवर्ड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फिनिश गुड वाला ट्रांसपोर्टर को अक्वायर कर लिया, फॉरवर्ड. ये रॉ मटेरियल वाला जो है ना, ये रॉ मटेरियल वाला ऐसा सोचा, जैसे हम बना करके इसको रॉ मटेरियल देता तब ये बनाता है, ये जो बनाता है वो हम भी बना सकते हैं, हम जो बनाते हैं वो ये नहीं बना सकता. कौन क्या बना रहा है समझ में नहीं आ रहा है. अरे रॉ मटेरियल वाला सोचा कि हम जो रॉ मटेरियल बना रहे हैं उसी से फिनिश गुड बना रहा है, डैश हम ही बना लेंगे वो काम, पैसा भी इसके पास है, ये मेरे को एक्वायर कर लिया. फॉरवर्ड बनाया, फिनिश गुड वाला रॉ मटेरियल का बिजनेस को एक्वायर कर लिया, वर्टिकल बैकवर्ड. फिनिश गुड वाला ट्रांसपोर्टर को एक्वायर कर लिया, वर्टिकल फॉरवर्ड. अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हो, या वो तो नहीं पढ़ते होगे, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल जब देखते हो, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल सीईओ लोग का इंटरव्यू होगा, उन लोग कुछ ऐसे बात करता है, या वी आर इन द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, इन द लास्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड इंटीग्रेशन बैकवर्ड्स एंड फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट आवर बिजनेस, आवर कंप्लीट इंटीग्रेशन इज देयर इन द बैकवर्ड्स, बट वी नीड टू मोर फोकस ऑन द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नाउ. या फिर कोई सीईओ आकर के बोलता है वी आर कंप्लीटली फुल्ली इंटीग्रेटेड, कभी सुने हो ऐसा? हाथ उठो जिन लोग सुना है, बड़ा बड़ा इंटरव्यूज में सीईओ वगैरह लोग का फुल एंड, क्या क्या सुना है पेपर वगैरह में कि वी हैव कंप्लीटेड आवर बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड वी आर लुकिंग टू डू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो जब ऐसा कोई सीईओ बोले ना, बड़ा आदमी बोले ना, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज कंप्लीट, मतलब it does not depend on raw material on outsider, it has its own source of raw material. Sunaya? Aur agar koi bol de we are forward fully integrated, forward fully integrated,
मतलब इसको सप्लाई का कोई टेंशन नहीं है, सप्लाई अपना ही है। कोई बोलते फुल्ली इंटीग्रेटेड, सब अपना ही है। नहीं समझ आया? तो ये होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग अ डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वेरी गुड, सुपर्ब। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, बच्चे ने आंसर दे भी दिया है, हॉरिजॉन्टल। मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज। वर्टिकल में डिफरेंट स्टेज था, हॉरिजॉन्टल में सेम स्टेज। मैं फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्स, ही इज ऑल्सो फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्स, ओनली आई कैन मेक एक्स, ही कैन नॉट मेक एक्स। सो आई ऑल्सो मैन्युफैक्चर एक्स, ही इज ऑल्सो फिनिश गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्स, दोनों को मर्जर हो गया हॉरिजॉन्टल। सेम स्टेज में हम लोग, हम भी एफ जी बनाते हैं, ये भी एफ जी फिनिश गुड। नहीं समझा? रॉ मटेरियल वाला, रॉ मटेरियल वाला के साथ मर्ज कर दिया हॉरिजॉन्टल। अरे सेम औकात रे, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर के साथ मर्ज कर गया हॉरिजॉन्टल। सो व्हेन द मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन द बिजनेसेस, मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन द बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट सेम स्टेज, सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई चेन, मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन सप्लाई चेन, इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। फिनिश गुड मैन्युफैक्चर मर्जर्स विद अनदर फिनिश गुड मैन्युफैक्चर, या फिर रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर, ये सब क्या है? हॉरिजॉन्टल। कॉन्सेंट्रिक मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन द बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सब कुछ सेम नहीं है उन लोग का, लेकिन या तो प्रोसेस या टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट सेम है, कुछ तो सेम है, सब कुछ सेम नहीं है, रिलेटेड है। या तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, प्रोसेस रिलेटेड है, या तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, या प्रोसेस रिलेटेड है, या प्रोडक्ट रिलेटेड है। ये क्या हो गया? कंसेंट्रेट। मैं चाय बनाता है मैन्युफैक्चरर, व्हेन आई से आई मेक टी, नॉट द रेडी टी, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ टी लीव्स, चाय पत्ते। ये कॉफी बनाता है, चाय वाला कॉफी वाला के साथ मर्ज हो गया कंसेंट्रेट। रिलेटेड है, रिलेटेड है। नहीं समझ आया? रिलेटेड है सर। कंसेंट्रिक एक बार फिर से, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्री, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्री। व्हाट इज रिलेटेड? आइदर देयर प्रोसेस और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, that is called concentric. Merger takes place between two businesses totally unrelated, no relation whatsoever, totally unrelated, that is called conglomerate. India ka largest conglomerate, India ka largest conglomerate Tata, steel banate banate chai banane laga conglomerate. Steel aur chai ka sambandh hai kya? Steel aur namak, conglomerate. I am a tea manufacturer merging with shoe manufacturer. तुम फटाफट पहचानो, अब फटाफट पहचानो, ready? चलो ब्रो चाय को ही लेकर के बता देते हैं। छोटा हो गया रे, आई एम टी मैन्युफैक्चरर। मैंने क्या किया? एक टी गार्डन को अक्वायर कर लिया, चाय वाला चाय का बगान खरीद लिया। आई एम टी मैन्युफैक्चरर ना, तो टी मैन्युफैक्चरर है। मैं प्रोसेस करके चाय पत्ती बनाता, बट मेरे को लीव्स तो चाहिएगा। टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर अ टी गार्डन, वर्टिकल बैकवर्ड। बनाया 100 करोड़ रुपया में एक चाय का बगान खरीद डाले, बोलने में अच्छा लग रहा है, मेरे पास है नहीं।
चाय वाला चाय का बगान खरीदना, वर्टिकल बैकवर्ड, या टी ओनर ऑफ टी गार्डन, ओनर ऑफ अक्वायर्स अ बिजनेस ऑफ टी मैन्युफैक्चरर, वर्टिकल फॉरवर्ड। चाय बगान वाला चाय का धंधा खरीद डाला, वर्टिकल फॉरवर्ड, और ये था वर्टिकल बैकवर्ड। मैं भी चाय बनाने वाला, ये भी चाय बनाने वाला, चाय 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 कॉफी चाय 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 कॉफी चाय जूता मरे नहीं, जब हम बोल रहे थे ना चाय चाय, एक बच्चा बोला था यहां पर आओ, बोले चाय कॉफी, चलो कॉफी, तो फिर चाय जूता भी है, कॉम्लो मरे। याद रखने का तरीका समझ में आया, याद रहना, यहां तक क्लियर है? चाय चाय बगान, चाय चाय बगान, वर्टिकल बैकवर्ड, चाय बगान वाला चाय, चाय 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 कॉफी चाय जूता। अरे थ्रू दिस श्योर, द फर्स्ट स्ट्रेटेजी वॉज वॉट? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी द फर्म्स द कंपनीज दे ऑपरेट इन द सेम और सिमिलर मार्केट एंड कंटिन्यू सेलिंग सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस। स्टेबिलिटी, जैसा है वैसा चलेगा। दे परस्यू सेम और सिमिलर मार्केट, दे परस्यू, दे कंटिन्यू परस्यूइंग सेम और सिमिलर मार्केट एंड कंटिन्यू सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। दे कंटिन्यू टू ऑपरेट, बोले बाबू क्या बोल चुके, थोड़ा ध्यान लगाओ। दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इन सेम और सिमिलर मार्केट, दे कंटिन्यू टू ऑपरेट इन सेम और सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट सर्विस। कंटिन्यू टू ऑपरेट इन सेम और सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट सर्विस, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। बिकॉज द एनवायरमेंट इज स्टेबल की नॉट स्टेबल? स्टेबल। अरे बिकॉज द एनवायरमेंट इज स्टेबल, एनवायरमेंट इज नॉट चेंजिंग, सो वी कैन फॉलो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। बट वेन द एनवायरमेंट इज डायनेमिक एक्सपेंशन, एनवायरमेंट इज स्टेबल, then you can follow stability strategy, you can survive because environment is not changing very fast, it is static. So if the environment phase is static, you can continue to operate in same or similar market and continue to sell the same product or service. The main aim of organization is to survive. Continuous survival is called stability. Continuous survival is called stability. The main aim is to safeguard the existing strength and interest of the firm. So my existing स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना, नया मार्केट में नहीं जाना, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। एनवायरमेंट इज स्टेबल, स्टैटिक कि नॉट स्टैटिक? स्टैटिक। दे कंटिन्यू टू परस्यू सेम और सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट और सर्विस। देयर मोटिव इज टू सेफ गार्ड, their motive is to safeguard their existing strength and interest. They don't want increase in market share. What they try to improve is their functional performance. What they try to improve is their, dekho product wahi banana hai, kyun na aur acche se banaye, apna functions ko improve kare, apna process ko improve kare ki production fast ho, output zyada ho, quality acha ho, quantity zyada ho, price cost kam ho. तो इन लोग अपना प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं करना चाहता, फंक्शन को। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट को चेंज या इंप्रूव करना नहीं चाहता, फंक्शंस को इंप्रूव करना चाहता। मक्खन, दे वांट टू इंप्रूव देयर फंक्शनल, दे फोकस ऑन फंक्शनल परफॉर्मेंस कि और कैसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, आउटपुट बढ़ाएं, और कैसे एडवर्टीजमेंट अच्छा करें, फंक्शंस को इंप्रूव करना, और मार्केटिंग कैसे अच्छा करें, फंक्शनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहता है। अब देख लो पेप्सी कोका कोला, पेप्सी कोका कोला इन लोग एक्सपेंशन करता है कि स्टेबिलिटी करता है? स्टेबिलिटी। इन लोग सिमिलर मार्केट में ऑपरेट करता है,
कोई नया मार्केट इन लोग ढूंढता नहीं है, सेम प्रोडक्ट ही तो बेच रहे हैं। इन लोग प्रोडक्ट में चेंज करना चाहते हैं, टेस्ट चेंज करेगा, पता चला कोक बन गया, कोक पेप्सी थम्स अप बन गया, 19-20 का तो फर्क है टेस्ट में। स्लाइस माजा क्या बोल रहा है? नहीं आप देखिए ना, स्लाइस में टेस्ट तो वही है, बट लोग फंक्शनल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, मार्केटिंग अच्छा करना चाहते हैं। नहीं समझाया? हाँ, जिन लोग मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हैं उन लोग स्टेबिलिटी तो फॉलो कर रहा है। नहीं समझाया? बट उन लोग अग्रेसिवली सेल नहीं कर रहा, नहीं बोलता स्लाइस रोज पियो। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या अग्रेसिव है, या इन लोग अग्रेसिव नहीं है, इंप्रूव कर रहे हैं अपना फंक्शनल परफॉर्मेंस। पक्का? एनवायरमेंट इज स्टेबल की डायनामिक? एनवायरमेंट इज डायनामिक, फास्ट चेंजिंग। दे वॉन्ट टू हैव इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, दे डोंट वॉन्ट टू सेव गार्ड देर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑनली, दे वॉन्ट न्यू मार्केट शेयर, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। एनवायरमेंट इज डायनामिक, दे वॉन्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर द कंपेटिटर, दे वॉन्ट टू गेन द मार्केट शेयर, सो एक्सपेंशन। एक्सपेंशन विल ऑलवेज इन्वॉल्व एक्साइटमेंट, प्रॉमिस, विगर। स्टेबिलिटी में वो बात नहीं है, मतलब क्या बात नहीं है, वो विगर एक्साइटमेंट नहीं है, यहां पर वो विगर एक्साइटमेंट है। तीसरा स्ट्रेटेजी होता है रिट्रेंचमेंट। क्या होता है? लास्ट वाला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन समझ जाओ क्या है, तीनों का मिक्सचर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग एसबीयूज, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, उसमें अलग अलग क्या है, एसबीयूज है, टाटा ग्रुप के अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है, तो किसी के लिए स्टेबिलिटी सही है, किसी के लिए एक्सपेंशन सही है, किसी के लिए रिटेंशन सही है, मतलब दे फॉलो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रेटेजी विच कैन बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एसबीयूज फेसिंग डिफरेंट एनवायरमेंट। कॉम्बिनेशन इज अ स्ट्रेटेजी दैट कैन बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एसबीयूज फेसिंग डिफरेंट एनवायरमेंट। If the SBU is facing the environment which is stable, they will follow stability. If the SBU is facing an environment which is changing, they will follow expansion. If the SBU is facing environment which is threatening, retrenchment. So that strategy is known as combination. Combination is a strategy followed by the organization having multiple SBUs facing different environment. Retrenchment mein ho. Retrenchment is also called retreat. रिट्रीट मतलब मार डालना अपने आप को, मिलिट्री टर्म्स में इसको रिट्रीट बोलते हैं, स्ट्रेटजी में मिलिट्री टर्म्स में रिट्रीट बोलते हैं। कभी सुनो नहीं हो सोल्जर रिट्रीट, मतलब इसके पहले तुम मेरे को पकड़ करके मेरे से सारे खुफिया जानकारी निकालो, रिट्रीट बोलते हैं इसको। तो रिट्रेंचमेंट इज नोन एज व्हेन फॉलोइंग एनी अदर स्ट्रेटजी विल बी सुसाइडल, व्हेन फॉलोइंग एनी अदर स्ट्रेटजी विल बी सुसाइडल, इट्स बेटर टू रिट्रेंच। एनवायरमेंट इज स्टेबल, डायनामिक, थ्रेटनिंग। रिट्रेंचमेंट इज व्हेन द एनवायरमेंट इज थ्रेटनिंग। रिट्रेंचमेंट मतलब यह भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हो गया लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप। एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट मतलब टोटल रिट्रेंचमेंट, टोटल लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप, धंधा बंद। इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। आप अपना खर्चा वर्चा कम कर दिए, थोड़ा और ज्यादा कॉशियस हो गए, बिजनेस को आप सही ट्रैक पे लाने का कोशिश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, इंटरनल रिट्रेंचमेंट। स्टाफ लोग को कम कर दिए, खर्चा कम कर दिए, जो पेंटिंग डेंटिंग करवाना था उसको पोस्टपोन कर दिए, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिए, कटिंग डाउन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कटिंग डाउन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिड्यूसिंग द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, रिड्यूसिंग द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट,
रिड्यूसिंग द स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, रिड्यूसिंग द सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट. सो रिडक्शन इन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, सीएसआर रिडक्शन इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कर्टेलिंग डाउन द कैपेक्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोन एज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिट्रेंचमेंट. एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट टोटल शट डाउन, टोटल शट डाउन, लिक्विडेशन, बाइंडिंग अप. संभालते जा रहे हैं. देर आर फाइव साइंस विच शोज दैट इट्स अ टाइम फॉर टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मिसमैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, टूट फूट बढ़ते जा रहा है. फाइव साइंस ऑफ, देर आर फाइव साइंस, फाइव इंडिकेटर्स विच हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड दैट इज द टाइम फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट. नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मिसमैनेजमेंट, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी. नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मिसमैनेजमेंट, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ इंटरनल रिट्रेंचमेंट टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. एंड एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट बहुत देर हो गया, आपने साइंस को पढ़ा नहीं, इंटरनल रिट्रेंचमेंट किया नहीं, एक बार में अब आपको एक्सटर्नल करना पड़ेगा. वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन. समटाइम्स रिट्रेंचमेंट इज ऑल्सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल एरिया टू प्रॉफिटेबल एरिया. तुम तो ऐसे भी बर्बादी मचा रहा है, तो इससे अच्छा तेरे को मार डालें, लिक्विडेट कर दें, एक एसबीयू को बंद कर दें, ताकि वहां से जो रिसोर्सेज है, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो अदर एसेट्स हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, वो हम लोग दूसरा प्रॉफिटेबल एसबीयू को दे. सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रैदर देन कंटिन्यूइंग टू ब्लीड द लॉसेज, लेट अस शट इट डाउन एंड मेक द प्रॉफिटेबल मोर प्रॉफिटेबल. मां बाप का अगर दो बच्चा है, एक बच्चा एकदम ही नहीं पढ़ाई लिखाई करता, तो मां बाप क्या करेंगे? और लिमिटेड फंड्स है, दूसरा बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे. उसका रुपया दूसरा जो फर्स्ट बच्चा है, दो बच्चा है ना, सेकेंड वाला बच्चा एकदम पढ़ता लिखता नहीं है, तो दूसरा बच्चा जो है, दूसरा ये फर्स्ट बच्चा पढ़ता लिखता है, दूसरा बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, तो जो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ता लिखता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करेंगे. उसका इन्वेस्टमेंट फर्स्ट फर्स्ट का तो फर्स्ट पे करेंगे, सेकंड का भी फर्स्ट पे कर देंगे. ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ है, होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा. तुम घर में जाकर के बोल दो मां बाप को, खाली ट्यूशन में आपका पैसा का बर्बादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई एकदम नहीं करेंगे, अगला बार से तेरा ट्यूशन आना बंद. नहीं पढ़े, घर में बैठ, पैसा का बर्बादी क्यों करे? तुम्हारा टीचर तुमको कई बार नसीहत दिया होगा, मां बाप का पैसा बर्बाद मत करो. हमको बाप में भागीदार मत बनाओ, मेहनत लगता है रे, कितना मां बाप इन्वेस्टेड है. चलो पैसा का कोई किल्लत नहीं है, तुम्हारे अनाप शनाप अरबों रुपया पड़ा है, चलो कोई बात नहीं, बट इमोशन बोल करके भी चीज होता है. पूरा घर घर में ढिंडोरा पीटा हुआ है कि तुम ये कोर्स कर. तो डू जस्टिस. अरे ओए, इंटरनल रिट्रेंचमेंट का पांच साइन बता. नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, मिसमैनेजमेंट, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी. सर ये होता कैसे इंटरनल रिट्रेंचमेंट? इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. इंटरनल रिट्रेंचमेंट इज ऑल्सो नोन एज टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. अगर आपको करना है तो ये सब स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रिट्रेंचमेंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर विथ विद दिस. Identify the problem.
आइडेंटिफाई द मेक अ प्रिलिमिनरी प्लान. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक अ प्रिलिमिनरी प्लान. बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, बोलो. रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, बोलो. आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम में दो चीज, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड असेस द डैमेजेस दैट इट हैज ऑलरेडी कॉस्ट. गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. Why are we having negative market? Why are we having negative profit, negative cash flow, declining market share, deterioration, physical facility, and mismanagement? Go to the root cause of the problem and identify the, assess the damage that has already caused. Jad tak jao samasya ke, aur pata karo kitna extent of damage already ho chuka hai. Make a preliminary plan mein do cheez. अपना कोर बिजनेस प्रोसेस का पता करो कि सक्सेस फैक्टर. कोर बिजनेस प्रोसेस यानी अपना कोर बिजनेस प्रोसेस का पता करो और चेक करो, इज देयर एनी चांस ऑफ सर्वाइवल, इज देयर एनी चांस ऑफ, व्हाट इज योर कोर बिजनेस एंड इज देयर एनी चांस ऑफ सर्वाइवल. बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग फोर्थ है, फ्री में आएगा. इमरजेंसी एक्शन प्लान, बोलो बोल करके. इमरजेंसी एक्शन प्लान इज अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्लान टू स्टॉप द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ब्लीडिंग फर्दर लॉसेस. रिफ्लेक्स एक्शन टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट टू स्टॉप द लॉसेस फॉर मोमेंट टिल वी इंप्लीमेंट आवर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान. ऑपरेशन होगा पेशेंट का, वो बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग. बैंडेड तो लगा खून रोकने के लिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या बोल दिए हैं. समझ में आया क्या बोला जा रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? हॉस्पिटल में क्या लाया? ऑपरेशन तुरंत चीरफाड़ कर दे, उसके लिए तो तैयारी करना पड़ेगा ना. सर्जरी अभी हो जाएगा कि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग के वक्त होगा सर्जरी? बट अभी तक खून देने दे कि पट्टी वट्टी लगाए, एक बार कुछ तो करें. दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्शन. एग्जाम में आपको लिखना है टू स्टॉप द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ब्लीडिंग फर्दर लॉसेस. द वेरी शॉर्ट टर्म स्टेप्स टेकन इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान. द वेरी शॉर्ट टर्म स्टेप्स इज कॉल्ड इमरजेंसी एक्शन प्लान. एंड देन बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग. बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में अब क्या करना पड़ेगा? बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में आपको अपना नॉन कोर एसेट्स बेचना पड़ेगा. आपको अगर सरवाइव करना है ना, तो जो नॉन कोर एसेट्स है वो बेचो, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा. आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रहेगा, आपके पास वर्किंग करने का कैपिटल नहीं, तो आप जो अपना नॉन कोर एसेट्स है उसको बेचो. जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हो ना, दुनिया भर का लैंड बिल्डिंग जो आपको नहीं चाहिए, बेचो उसको. लिक्विडेट द नॉन कोर एसेट्स. खर्चा कम करो, कॉस्ट रिडक्शन. स्टाफ को भगाओ, छटाई करो स्टाफ लोग का, जरूरतमंद स्टाफ रहेगा. चेंज द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट खड़ा हुआ था तभी ना हम लोग इस नतीजे पर आए. चेंज द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट खड़ा हुआ था तभी ना हम लोग का ये दिन देखना पड़ रहा है. चेंज द टॉप मैनेजमेंट. सेल द नॉन कोर एसेट्स. लिक्विडेट द सरप्लस स्टाफ. लिक्विडेट द सरप्लस स्टाफ. इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर. इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ मीडिया के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करते रहो, क्योंकि तुम्हारा गुडविल हैम्पर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा. हुआ होगा. अब मीडिया के साथ टाइम टू टाइम इंटरेक्शन करते रहो, भरोसा दिलाते रहो. इमेज बिल्डिंग एक्शन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? इमेज बिल्डिंग एक्शन. ये रिलायंस का अनिल अंबानी खाली यही करता है, इमेज बिल्डिंग एक्शन. इसका सारा धंधा फ्लॉप है, लेकिन फिर भी ये मीडिया के सामने आने से डरता नहीं है. नहीं आएगा तो और गली सुनेगा ना, आकर के खाली बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. इमेज बिल्डिंग एक्शन. और हमको तो पता है, हम स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हमको तो पता है क्यों आ रहा है. नहीं समझ में आया? अभी रिलायंस का एक एक करके अनिल अंबानी ग्रुप का सारा ऑडिटर लोग रिजाइन कर करके भाग रहे हैं.
क्योंकि साहब घपलाबाजी कर रखा है, चाहे वो रिलायंस कैपिटल हो चाहे वो रिलायंस इंफ्रा हो। बनाया क्या बोल रहे हैं, तो अब इसको क्या दरकार है, एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट का इनके इंटरनल रिट्रेंचमेंट का, इंटरनल रिट्रेंचमेंट का टर्न अराउंड करने का नहीं। समझाया? मुकेश अंबानी नहीं, अनिल अंबानी। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या करोगे, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर की स्टेप्स, स्टेप्स करना कैसे है, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज ऑलरेडी कॉज, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। मेक अ प्रिलिमिनरी प्लान, मेक अ प्रिलिमिनरी प्लान में आइडेंटिफाई द कोर बिजनेस एंड इज देयर एनी चांस ऑफ सर्वाइवल, तुम्हारा कोर धंधा क्या और क्या सर्वाइवल कर सकते हो कोर धंधा को। इमरजेंसी एक्शन प्लान टू स्टॉप ब्लीडिंग द लॉसेस, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में ही तो सारा काम करना है। सेल द नॉन कोर एसेट्स, लिक्विडेट द सरप्लस, सेल द नॉन कोर एसेट, लिक्विडेट द सरप्लस स्टॉक, इमेज बिल्डिंग एक्शन, कटेल द एक्सपेंसेस, रिडक्शन इन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, एंड if the business survives then returning back to normal, if the business survives, are we through with this? External retrenchment ka kuch step nahi hai, dhanda band kar, taala laga, winding up, liquidation, internal mein time lagta hai, external mein to jab faisla kar hi liya, khatam to khatam, sambhalte ja rahe hain. The last strategies, combination is followed by organization having multiple SBUs facing different environment. किसी एसबीयू के लिए स्टेबिलिटी फॉलो करेगा, किसी के लिए एक्सपेंशन, किसी के लिए रिट्रेंचमेंट। क्लासिक एग्जांपल इज अमूल, अमूल बटर, स्टेबिलिटी, डेस कुछ नहीं नया करता, कुछ नया तुम करने का कोशिश देखा है अमूल बटर का, लड़की तक वही है जो बच्ची बड़ी भी नहीं हुई है, वही अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। बटर में कुछ चेंजेस करने का कोशिश किया है क्यों, क्योंकि उसका कंपटीटर लोग उतना नहीं है, स्टेबल है, एनवायरमेंट इज स्टेबल, तो क्यों कुछ करेगा, स्टेबिलिटी फॉलो करता है अमूल, अपना बटर के लिए स्टेबिलिटी फॉलो करता है अमूल, एक्सपेंशन के लिए, अमूल एक्सपेंशन के लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स में, बेवरेजेस अमूल ताजा, डू द कूल, देखे हो, जब देखो एक्सपेंशन में अलग अलग फ्लेवर लाते रहेगा, कभी चॉकलेट कभी इलायची, अरे दूध का रे बाबा, वो एक्सपेंशन में अमूल चॉकलेट भी बनाता था, बंद कर दिया, रिट्रेंचमेंट, चला नहीं, पंडू बोल करके उसका चॉकलेट आता था, हम जब बच्चे थे, अभी भी आता होगा तो आता होगा, बट वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं लगाता, अमूल पंडू, इन लोग सुना है, हाथ उठाओ, अभी भी मिलता फंडू, आई डोंट थिंक सो, फंडू अभी नहीं मिलता, अमूल का कोई दूसरा मिल्क चॉकलेट मिलता होगा तो मिलता होगा, फंडू नहीं मिलता, मिलता होगा वो तुम खा रहा है, वो पोका लगा खा रहा है, तो हम क्या करें, अमूल फंडू चला कि नहीं चला, तो क्या फॉलो किया, रिट्रेंचमेंट। अमूल अपना बटर के लिए क्या करता है, स्टेबिलिटी, बेवरेजेस के लिए एक्सपेंशन, चॉकलेट के लिए रिट्रेंचमेंट, मतलब ओवरऑल क्या है, कॉम्बिनेशन। दिस थ्री स्टडीज आर एक्सक्लूसिव की नॉट एक्सक्लूसिव, अंग्रेजी भी तो खराब है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ हम एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ए फॉलो करेगा तो भी नहीं कर सकता, तुम साथ साथ ए बी सी तीनों फॉलो, बिकॉज दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, संभालते जा रहे हैं, श्योर, वेरी श्योर, आई मीन वेरी वेरी श्योर, कॉपी खोलो लिखो ये जो बोले, गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर,
और मेरे बच्चों क्या हाल चाल है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, डिप्रेशन में जा चुके हो? क्यों, तो कितना समय है? समय है, हम बता रहे हैं अभी अगर स्क्रैच से चालू करोगे तो हो जाएगा, बट चालू कर देना है और खुश रह करके पढ़ना है। ऐसे नहीं बोझ लगा करके, अरे ये है वो है, नहीं खुश रह करके पढ़ो कि वाओ मतलब क्या लाइफ है यार, मतलब ऐसे ही खुश रह करके पढ़ो, बहुत फायदा मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 लिख दे, हेडिंग दे दे चैप्टर नंबर 4, नहीं तो किसी और चैप्टर में पढ़ जाएगा। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट। अच्छा तुम लोग का बीकॉम टीकॉम का एग्जाम कब से है? 15 जुलाई से है, 15 जुलाई से 20, किन लोग का है तो 15 से 20 जुलाई के बीच में है क्या? तो कैसे आओगे ट्यूशन उस समय? आना तो पड़ेगा ही, टाइम आगे चेक करना पड़ेगा तुम लोग को, वीडियो वाइकल्स वगैरह का सारा रहेगा। नहीं 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 नहीं, यूट्यूब में मेरे शक्तियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। शाम को तुम लोग का एग्जाम कितना बजे से रहेगा? सुबह 4 बजे, व्हाट्स द टाइम, 11 से रहेगा, ठीक है कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेगा, आप उसमें आइएगा। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्लिक ग्रैंड स्ट्रेटजीज। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्लिक ग्रैंड स्ट्रेटजीज में एक तो है स्टेबिलिटी, एक है एक्सपेंशन, चारों का कंपैरिजन लिखवा दे रहे हैं। ए भाई ये 4 स्टडी रेडी है तुम्हारा? स्टेबिलिटी में लिखो पॉइंट नंबर 1, कंपैरिजन चार्ट बना रहे हैं हम चारों में। इट इज अ स्ट्रेटजी टू परस्यू सेम ऑब्लिक सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। इट इज अ स्ट्रैटेजी टू परस्यू सेम ऑब्लिक सिमिलर मार्केट। इट इज अ स्ट्रैटेजी टू परस्यू सेम ऑब्लिक सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। स्ट्रैटेजी टू परस्यू सेम ऑब्लिक सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। स्टेबिलिटी क्या है? क्या है स्टेबिलिटी? परस्यू सेम और परस्यू सेम सिमिलर मार्केट एंड सेल सेम प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पहले इसको कंप्लीट कर दो। पॉइंट नंबर 2 लिखो, द एनवायरमेंट इन विच फर्म ऑपरेट्स। द एनवायरमेंट इन विच, कहां लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो? स्टेबिलिटी के अंदर ही लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2, पहले इसको खत्म कर दे रहे हैं। द एनवायरमेंट इन विच फर्म ऑपरेट्स, the environment in which
फर्म ऑपरेट्स इज स्टेबल एंड स्टैटिक. स्टेबल एंड स्टैटिक. स्टेबल एंड स्टैटिक. पॉइंट नंबर थ्री, पीपल इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजेशन. पीपल इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग. लाइक टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग. इन लोग को वही अच्छा लगता है, एक ही चीज बार बार करना. लाइक टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग. पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक टू डू, उन लोग को चैलेंजेस वगैरह अच्छा नहीं लगा. दे लाइक टू डू व्हाट दे हैव बीन डूइंग. पॉइंट नंबर फोर, इन लोग क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा अपना. वेरी गुड. देयर एम इज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव फंक्शनल परफॉर्मेंस. 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 पॉइंट नंबर कौन सा? फाइव. कैपिटल ज्यादा चाहिए कि कम? कम. रिस्क भी क्या है? कम. लिख दो, इट्स अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी. इट्स अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी. पॉइंट नंबर सिक्स, इट्स अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी के बाद पॉइंट नंबर सिक्स, लेस कैपिटल रिक्वायर्ड. लेस कैपिटल रिक्वायर्ड. इट्स अ लेस रिस्की स्ट्रैटेजी के बाद क्या लिखा? लेस कैपिटल रिक्वायर्ड. पॉइंट नंबर कौन सा? सेवन में लिखो. नो इंटेंशन, नो इंटेंशन टू अग्रेसिवली इंक्रीज द मार्केट शेयर. No intention to aggressively increase the market share. No intention to aggressively increase the market share or enter new markets. No intention to aggressively increase the market share or enter new markets. No intention to aggressively increase the market share or enter the new market. Point number concern. Eight. Example. पेप्सी. एग्जाम्पल पेप्सी. अरे पेप्सी कंपनी का नाम है रे. एग्जाम्पल लिख दिया पेप्सी. चलो आ जाओ इसमें, आ जाओ एक्सपेंशन में आ जाओ. अच्छा और एक पॉइंट लिख दो ना उसमें, स्टेबिलिटी में. पॉइंट नंबर कौन सा? नाइन. No types, no types. Stability का कोई type नहीं है. It has got no type. तो no types लिख दिया ना. फिर आओ expansion में आओ. It's a strategy of growth. It's a strategy of growth. It's a strategy of growth and expansion. बस ठीक है, ठीक है. It's a strategy of growth. Full stop. Point number कौन सा? हाँ. Point number two में लिखो. The environment faced is dynamic. The environment faced is dynamic. The environment faced is dynamic. फटाफट लिखो. The environment faced is dynamic. फिर point number three में लिखो. People involved likes challenges. People involved likes challenges. Vigor. People involved likes challenges. Vigor. V-I-G-O-R. V-I-G-O-R. Like challenges. Vigor. Comma. Excitement and promise. Excitement and promise. V-I-G-O-R. Vigor. Comma. Excitement and promise. Excitement
एंड प्रॉमिस। नेक्स्ट लिखो, देयर एम इज टू एक्सपेंड एज मच एज पॉसिबल। देयर एम इज टू एक्सपेंड एज मच एज पॉसिबल। देयर एम इज टू एक्सपेंड एज मच एज पॉसिबल। लिख दिया क्या? फिर वहां पर क्या था? लेस रिस्की। ये क्या है? मोर रिस्की। लिख दो, इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क लिख दिया, मोर रिस्क। कैपिटल क्या चाहिएगा? बहुत ज्यादा। लिख दो, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा कैपिटल इसमें चाहिएगा। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। मोर रिस्क के बाद क्या लिखा? ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फिर क्या था? इनका इंक्रीज, ये दोनों इंटेंशन है इन लोग का। सुना है क्या? लिख दो, इंटेंशन इज टू डोमिनेट द कंपिटिटर्स। इंटेंशन इज टू डोमिनेट द कंपिटिटर्स। इंटेंशन इज टू डोमिनेट द कंपिटिटर्स कॉमा इंक्रीज देयर मार्केट शेयर कॉमा इंक्रीज इन मार्केट शेयर। इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड एंटर न्यू मार्केट। इंक्रीज इन मार्केट शेयर एंड एंटर न्यू मार्केट। Increase in market share and enter new markets. Increase in market share and enter new markets. Example TCS. Example TCS. Example TCS. We'll go two types. Two types. Two types mein point number A. इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन इंटरनल ग्रोथ को बोलते हैं, इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन पॉइंट नंबर बी, डाइवर्सिफिकेशन एक्सटर्नल ग्रोथ को बोलते हैं। इंटरनल ग्रोथ हो गया इंटेंसिफिकेशन, एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया डाइवर्सिफिकेशन। टू टाइप्स, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। लिख दिया इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन। फिर और क्या है? रिट्रेंचमेंट में लिखो, it is a strategy to wind up the operations or business. It is a strategy to wind up the operations or business and is also called retreat. It is a strategy to wind up the operations or business and is also called retreat. And is also called retreat. And is also called retreat. Point number two. Environment faced is threatening. Environment faced is threatening. Environment faced is threatening. Pilikho. People involved are unable to manage the business. 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 लिख दिया। Point number four. इन लोग का aim क्या है? कोई बता सकता है retrenchment क्यों होता है? Aim क्या है? Shift the resources from unprofitable to profitable. लिख दो। Aim is to shift the resources. Aim is to shift the resources from unprofitable SBU to profitable one. From unprofitable SBU to profitable SBU. From unprofitable SBU to profitable SBU. From unprofitable SBU to profitable SBU. Unprofitable SBU to profitable SBU. फिर क्या था? रिस्क के बारे में था ना। बाद बाकी सारा स्ट्रेटेजी रिस्की है, इसलिए तो हम लोग रिट्रेंच कर रहे हैं। नहीं समझ आया? लिख दो,
फर्म अडॉप्ट्स रिट्रेंचमेंट, द फर्म अडॉप्ट्स रिट्रेंचमेंट बिकॉज फॉलोइंग एनी अदर स्ट्रेटेजी, द फर्म अडॉप्ट्स रिट्रेंचमेंट बिकॉज फॉलोइंग एनी अदर स्ट्रेटेजी, because following any other strategy, because following any other strategy may lead to further losses, may lead to further losses and can be suicidal, may lead to further losses and can be suicidal, may lead to further losses and can be suicidal, may lead to further losses and can be suicidal, may lead to further losses and can be suicidal. लिखो यहां पर कैपिटल चाहिए कि मिलेगा अपने को, मिलेगा लिख दो. फर्म विल बी एबल टू फ्री इट्स कैपिटल, फर्म विल बी एबल टू फ्री इट्स कैपिटल, फर्म विल बी एबल टू फ्री इट्स कैपिटल, फर्म विल बी एबल टू फ्री इट्स कैपिटल. बताओ इंटेंशन का बात कर ही चुके थे अपने, सीधा एग्जांपल लिख दो. इंटेंशन का तो बात कर चुके थे ना, या इंटेंशन हो सकते हो फर्दर लॉसेस प्रिवेंट करना, लिख दो इंटेंशन इज टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस, इंटेंशन इज टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस, इंटेंशन इज टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेस. एग्जाम्पल में लिख दो आरकॉम, सुने हो रिलायंस का, अरे अनिल का था ये भी, बंद हो गया रिलायंस कम्युनिकेशन, किसी के पास सिम रहा होगा पहले, हाथ उठाओ क्या किया, बंद कर दिया होगा रिलायंस कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल लिख दे रिलायंस कम्युनिकेशन. टाइप्स बिल्कुल है, लिख दो टाइप्स. पॉइंट नंबर ए इंटरनल रिट्रेंचमेंट, टाइप्स में पॉइंट नंबर ए इंटरनल रिट्रेंचमेंट, ब्रैकेट में टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, इंटरनल रिट्रेंचमेंट ब्रैकेट में लिख दो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी. इंटरनल रिट्रेंचमेंट का और एक नाम क्या है, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, लिख दिया टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी. पॉइंट नंबर बी एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन, एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन, एक्सटर्नल रिट्रेंचमेंट ब्रैकेट में लिक्विडेशन. लास्ट वाला क्या है, कॉम्बिनेशन का ये 9 पॉइंट नहीं हो सकता, ये तो क्या है, यही तीनों का तो मिक्सचर है रे बाबा, तो लिखो कॉम्बिनेशन में. पॉइंट नंबर वन इट्स अ स्ट्रैटेजी टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट एसबीयूज, इट्स अ स्ट्रैटेजी टू फॉलो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट एसबीयूज, फॉलो डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर डिफरेंट एसबीयूज, मतलब किसी के लिए स्टेबिलिटी, किसी के लिए एक्सपेंशन, किसी के लिए रिट्रेंचमेंट. एग्जाम लिख सकोगे कि लिखवाएं, फॉर सम एसबीओ दे विल फॉलो स्टेबिलिटी, फॉर सम अदर दे विल फॉलो एक्सपेंशन, फॉर सम अदर दे विल फॉलो रिट्रेंचमेंट. पॉइंट नंबर टू डिफरेंट एसबीयूज फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, डिफरेंट एसबीयूज फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, different SBUs face different types of environment, समझ में आ रहा है, different SBUs face different types of environment, इनका अलग अलग SBU अलग अलग environment को face करता है ना, इसलिए तो अलग अलग strategy follow करना पड़ेगा. point number 3 example Amul Group, Amul Group, example Amul Group
फॉलोज एग्जाम्पल, अमूल ग्रुप फॉलोज एग्जाम्पल, अमूल ग्रुप फॉलोज स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉर बटर, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉर बटर, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉर बटर कॉमा एक्सपेंशन फॉर बेवरेजेस, एक्सपेंशन फॉर बेवरेजेस, एक्सपेंशन फॉर बेवरेजेस कॉमा रिट्रेंचमेंट फॉर चॉकलेट्स, रिट्रेंचमेंट फॉर चॉकलेट्स, रिट्रेंचमेंट फॉर चॉकलेट्स अब किसके बारे में पोस्टमार्टम करना बाकी है? एक्सपेंशन, नेक्स्ट हेडिंग दो, बीचों बीच एक्सपेंशन। लिख दिया इंटेंसिफिकेशन में मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या लिखोगे? सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। खुद से मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लिख सकोगे? खत्म करो लिख करके। अरे क्या लिख दिया तुम लोग, मेरे को बताओ भाई, तुम्हारे पास भरोसा नहीं है। सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, और यहां सेलिंग न्यू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, सेलिंग न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। डन है रे बाबा, वर्टिकल इंटीग्रेशन के नीचे लिखो। ये तो खुद से नहीं लिखा ना, हम लिखवाएंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन के नीचे लिखो छोटा छोटा करके।
अरे बोले कि वेट करें, बोलूं मैं? लिखो, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्टेजेस इन द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन इन द सेम प्रोडक्शन सप्लाई चेन हॉरिजॉन्टल में लिख देना, हॉरिजॉन्टल में लिखो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में लिखने के पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन में नीचे में और एरो डेफिनेशन लिख दिया ना, डेफिनेशन के बाद लिख दो फॉरवर्ड ऑब्लिक बैकवर्ड लिख दिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। हॉरिजॉन्टल में लिखो, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग एट सेम स्टेज, ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई चेन कंसेंट्रिक में लिखो, मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज मर्जर बिटवीन टू बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज having either related process or technology or product two businesses operating in related industry having either related process or technology or product conglomerate में लिखो merger between two businesses operating in unrelated industries merger between two businesses operating in unrelated industries koi relation hi nahi hai na technology na process nothing is related operating in unrelated industries next likho examples thoda fast jo chhut gaya aage badho samay nahi ruk aage badho पढ़ने को बहुत कुछ है, एक छूट क्या क्या है, आगे बढ़ो। लिखो एग्जांपल्स, क्या छूट गया? बोतल छूट गया। किसका है? यहां से बोतल आपका वहां कैसे गया? लिखिए एग्जांपल्स। अरे एग्जांपल्स लिखा क्या, ये बच्चे उस पन्ना का जान लेगी क्या? एक के ऊपर एक लिख रही है। लिखो एग्जांपल्स। पॉइंट नंबर ए, एग्जांपल्स में पॉइंट नंबर ए, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ टी गार्डन, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ टी गार्डन डैश देकर के बताओ क्या है ये? टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ टी गार्डन वर्टिकल बैकवर्ड लिख दो, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ टी गार्डन में लिख दो वर्टिकल बैकवर्ड
लिखो ओनर ऑफ टी गार्डन, पॉइंट नंबर बी ओनर ऑफ टी गार्डन, ओनर ऑफ टी गार्डन अक्वायर्स बिजनेस ऑफ टी मैन्युफैक्चरर, ओनर ऑफ टी गार्डन अक्वायर्स बिजनेस ऑफ टी मैन्युफैक्चरर, ये क्या हो जाएगा वर्टिकल फॉरवर्ड, लिख दो वर्टिकल फॉरवर्ड, लिख देना वर्टिकल फॉरवर्ड, फोन नंबर कौन सा सी में लिखो, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स बिजनेस ऑफ अनदर टी मैन्युफैक्चरर, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स बिजनेस ऑफ अनदर टी मैन्युफैक्चरर, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ बिजनेस ऑफ अनदर टी मैन्युफैक्चरर, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स अ बिजनेस ऑफ अनदर टी मैन्युफैक्चरर, हॉरिजॉन्टल नेक्स्ट टी मैन्युफैक्चरर acquires the business of coffee manufacturer, tea manufacturer acquires business of coffee manufacturer, tea manufacturer acquires the business of coffee manufacturer, concentric ho jayega, concentric, concentric ka aur ek naam hota hai cogeneric, to maine institute ki kitab mein likha hua nahi hai but iska aur ek naam hota hai cogeneric, likh do कंसेंट्रिक और एक नाम मुंह खोल करके बताओ को जेनेरिक, अब तुम पेन भी चेंज करके लिखेगा तब तक कैसे होगा, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर शू मैन्युफैक्चरर, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर्स शू मैन्युफैक्चरर, टी मैन्युफैक्चरर अक्वायर शू मैन्युफैक्चरर, मुंह खोलो और बोलो कॉन्ग्लोमरेट, टी मैन्युफैक्चरर रिक्वायर शू मैन्युफैक्चरर, जो हो जाएगा आपका कॉन्ग्लोमरेट, अब डिफरेंस लिखवाएंगे कोई बता सकता है किसमें डिफरेंस लिखवाएंगे, इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन में, ऑर्गेनिक ग्रोथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ, इंटरनल एक्सटर्नल स्लो फास्ट कैपिटल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, लिखो दो कॉलम बना दो, पहला कॉलम इंटेंसिफिकेशन दूसरा कॉलम डाइवर्सिफिकेशन, इतना समय नहीं है बाबू सोना की तरह लिख रहे हो, इंटेंसिफिकेशन लिखो दूसरा में डाइवर्सिफिकेशन लिखो, इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन लिख दिया, हेडिंग लिखने का टाइम गया, अब सीधा अंदर का लिखो, पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वहां लिखो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी वहां लिख दो एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू ऑर्गेनिक ग्रोथ और वहां लिखो इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक जगह लिख दो इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक दो पॉइंट छूट गया कोई बात नहीं, स्लो राइटर लोग ऑल्टरनेट पॉइंट्स लिखेगा, पॉइंट नंबर थ्री, अरे मेरे प्यारे गंजा लोग क्या क्या लिखा, इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, पॉइंट नंबर थ्री प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लॉइंग पी एल ओ यू जी एच आई एन जी, आई फॉरगॉट इंग्लिश भी तो नहीं आता, पी एल ओ यू जी एच आई एन जी, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज डन, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज डन, मतलब समझना प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमा रहा है फिर लगा देना है, और वो खाली प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट से होगा कि बैंक चाहिएगा, लिख दो टेक्स प्लेस थ्रू बोरोड फंड्स, टेक्स प्लेस थ्रू बोरोड फंड्स, टेक्स प्लेस थ्रू बोरोड फंड्स, नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा फोर में लिखो, involves capital restructuring, involves capital restructuring, वहां लिखो
इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाय वे ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन्वॉल्व्स कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाय वेज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बाय वेज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बाय वेज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. पॉइंट नंबर फाइव, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिमेन सेम, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिमेन सेम. वहां लिखो चेंजेस, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिमेन सेम, और वहां क्या लिखा, चेंजेस. स्लो ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ. पॉइंट नंबर सिक्स क्या लिखा, स्लो ग्रोथ, और एक जगह क्या लिखा, फास्ट ग्रोथ. स्लो ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ. कम टू मार्किंग पार्ट, थक जाने से बोल देना, क्लास के बाहर निकाल देंगे. या आप खड़े रहिए वहां पर थोड़ा देर, चले आइए. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज का बात हो रहा है, थोड़ा देर खत्म हुआ. स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स, डिड यू फाइंड स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स? पहले तो लिख दो एंटायर कॉपी नोट्स, रीड entire copy notes first. और जो भी लिखवाए मन से कुछ नहीं है, सब यहां पर अब तुमको वो सब टर्म्स दिखाई देगा जो जो हम लोग बात किए थे. देखो बस बेटा खत्म होने वाला है, कभी भी खत्म हो सकता है, बस ध्यान लगाओ, बस यही 15 मिनट्स. तुम्हारा मचमची अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो किया जाएगा. चलो अभी देखो, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है क्या? स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी कुछ याद रहा है, हम ये बोले थे सेफ गार्डिंग इट्स एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ. इन स्टेबिलिटी वी फोकस ऑन सेफ गार्डिंग अवर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट. बोलो ना, बोलो. अलर्ट करते चल रहे हैं, फिर ये सब पढ़ चुके हैं तो ब्रैकेट लगा दो. हाईलाइट वापस से नहीं करना है, नहीं तो पता चला एक हफ्ता पहले कॉपी नोट्स याद करोगे, फिर एक हफ्ता बाद फिर से यहां से याद करोगे. हो चुका ना ये? देखो ये दो चीज बोले थे क्या, इट कंटिन्यूज टू सर्व इन सेम और सिमिलर मार्केट एंड सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस. फंक्शनल परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट इन क्या बताओ ना, फंक्शनल. हो चुका क्या स्टेबिलिटी का बात? नेक्स्ट बताओ क्या है? इसमें क्या है? प्रॉमिस है, डायनामिज्म, बिगर प्रॉमिस एंड सक्सेस. बात हो चुका है क्या? यहां से कुछ भी पढ़ने का दरकार? ये दो पैराग्राफ यहां से क्यों नहीं पढ़ोगे? नॉट अ पॉइंट किसके लिए लिखवाए हैं? तुम्हारे वहीं से पढ़ने के लिए. रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन, सब हो चुका है, यहां से कुछ नहीं पढ़ना. कॉम्बिनेशन में खाली ये वाला देख लो, द अबव स्ट्रेटजीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मतलब एक फॉलो करेगा दूसरा नहीं करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है. एक फॉलो करेगा क्या दूसरा नहीं कर सकता? कि कर सकता है. इन लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. इट इज पॉसिबल टू अडॉप्ट मिक्स ऑफ द अबव टू सूट द पर्टिकुलर सिचुएशन. वी कैन फॉलो मिक्स ऑफ द अबव टू सूट द पर्टिकुलर सिचुएशन. बोलो ना, हाथ जोड़ो इनके, हाथ जोड़ो. यह है पॉटर बाबा.
नहीं, वो तो है ही। ये है पॉटर बाबा, माइकल पॉटर। सुना है ना माइकल पॉटर? ये जो दो पन्ना है ना माइकल पॉटर का, ये जो दो पन्ना है ना, ये फंक्शनल स्ट्रेटजी है। क्या है ये? तो फंक्शनल स्ट्रेटजी का देखो ना, शायद चैप्टर नंबर 6 है कि 5 है। हाँ वो तो कर चुके ना अपने, ये इसके बारे में अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ये जो माइकल पॉटर बोला ना, जेनेरिक स्ट्रेटजी, जेनेरिक स्ट्रेटजी है, लिख दो चैप्टर 5। लेकिन कभी ना कभी इंट्रोडक्शन में मैंने इसके बारे में बताया होगा, कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन फोकस, कि जब भी माल बनाओ तीन कैटेगरी का माल बनाओ, पुचका वाला, नॉर्मल पुचका, पकौड़े पुचका, दही पुचका। कुछ याद आया? मोबाइल में भी तीन कैटेगरी होता है, एकदम सस्ता वाला, बीच वाला कैटेगरी और हाई एंड। पिक्चर देखने जाओगे तीन तो सीट होता है एकदम सामने, कॉस्ट लीडरशिप। वो आकर के खुश है बाबू आ गए, ऐसे कस्टमर लोग के लिए होता है कॉस्ट लीडरशिप। नहीं समझाया? फोकस होता है नीश के लिए, एकदम सोफा, सोफा सीट, लेट लुटा करके देखना। देख लिया बेटा, वैसे करके छुपा करके फायदा नहीं होगा, हम देख लिए हैं तुमको कि आवाज वहीं से आया है, फिर ऐसे ऐसे कर रहा है। फोकस होता है नीश के लिए, जो 800-1000 रुपया में लेट लुटा करके देखना है। नहीं नहीं उतना महंगा नहीं, खाली थोड़ा ही सर के डिफरेंसिएशन, थोड़ा ही रिक्लाइन होता है, पूरा लेटा नहीं जाता। तुम लोग किस कैटेगरी में हो? कॉस्ट लीडरशिप, जाकर के एकदम फ्रंट रो में बैठ जाते हो बाबू। डिफरेंशिएशन फोकस, अमीर लोग हो भाई। तो माइकल पॉटर क्या बोला, कोई भी माल बनाते हो ना उसका तीन वेरिएंट बनाओ हर माल का, एक कॉस्ट लीडरशिप, एक डिफरेंशिएशन और एक फोकस। समझाया? तुम देखो ना, हर लोग ये फॉलो करता है, मोबाइल वाला लोग नहीं फॉलो करता। हाँ सैमसंग जब यहां पर आया, गुरु कॉस्ट लीडरशिप, सैमसंग ग्रैंड वगैरह हो गया डिफरेंशिएशन, नोट वगैरह हो गया फोकस। समझा रहे हैं चीजों को? समझाया? मर्सिडीज वाला जब इंडिया में आया तो देखा बाप रे, मर्सिडीज पहले अलग अलग क्लास नहीं बनाता था, एक ही क्लास बनाता था। इंडिया में आकर के अपना औकात पहचाना, बोले यहां तो अमीर में भी गरीब है, अमीर मिडिल क्लास है, अमीर अमीर भी है। नहीं समझाया? तो क्लास ए बी सी डी ई एफ तक ले आया। नहीं समझाया क्या बोले? मर्सिडीज का अलग अलग क्लास आ गया। अब समझो यहां पर इंडिया में खाली लोअर कैटेगरी वाले लोग नहीं है, लोअर 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 मिडिल लोअर अपर, मिडिल में भी लोअर है, मिडिल 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 अपर, अपर में भी लोअर मिडिल अपर है। हाँ मुकेश अंबानी अपर अपर है, सही बात, सही बात। हम लोअर अपर है या मिडिल लोअर है? गरीब का मजाक मत उड़ाओ, अपर अपर हम है। मुकेश अंबानी अपर अपर, हम अपर मिडल है। नहीं रे बाबा, मिडल लोअर चलेगा, मिडल में लोअर। अच्छा एक बात बताओ, इट्स अ पर्सनल इशू, आगे बढ़ो। ये भी पढ़ा नहीं रहे हैं, ये दो पन्ना बाकी रहेगा, ये कब होगा? चैप्टर 5 स्टेबिलिटी में आओ, पार्ले जी स्टेबिलिटी, समझ आ रहा है? अरे क्लासिक एग्जांपल है रे स्टेबिलिटी का, पाले जी बस बिस्किट जैसा था वैसे ही है। पैकेजिंग भी सेम है, नो चेंज इन द एग्जिस्टिंग बिस्किट टेस्ट और टाइप। कितने भी चोको चिप्स वाले आ जाएं, पार्ले जी अपना स्टेबिलिटी, हाइड एंड सीक आ जाए, ऋतिक रोशन से ऐड करवाए हाइड एंड सीक का, जस्ट बिस्किट बेच रहे ना क्या इन लोग, समझ नहीं आ रहा। पार्ले जी अपना जगह टिका हुआ है, समझाया? ज्यादा एक्सपेंशन भी खराब है, किंगफिशर वाला मरी गया, लेकिन एक एक्सपेंशन कौन करके दिखाता बताओ? टीसीएस,
अरे अनाप शनाप रे बोलो ना, रोल्स रॉयस ने टीसीएस के साथ अपना इंजीनियरिंग मर्जर किया था। रोल्स रॉयस तो सुना होगा ना रे, बहुत अरे महंगा गाड़ी बनाता रे, एकदम सबसे महंगा। हाँ इतना कम फीस में कहां से आएगा बाबू, माई बाप थोड़ा देखो मेरे को, i20 में घूमते हैं। अच्छा हाँ बड़ा वाला है, ठीक है। तुम लोग पर्सनल क्यों हो जाते हो, जब देखो कोई भी एग्जाम्पल आएगा ले लीजिए। अरे हम बोले किंगफिशर बहुत कुछ बनाता है, पी लीजिए। हम बोले सर बढ़िया। रिट्रेंचमेंट, आज से कई साल पहले पेप्सी ने ब्लू ड्रिंक लाया था, अगर आपको याद हो तो, पेप्सी ब्लू। मैंने क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया था, पेप्सी ब्लू के बारे में। एटम, हाँ बिल्कुल, पेप्सी ने एटम ब्लू ये सब लाया था, चला के रिट्रेंच हो गया। कॉम्बिनेशन किसने करना सिखाया, स्टेबिलिटी क्या चीज के लिए, बटर के लिए, एक्सपेंशन क्या चीज के लिए, बेवरेज, रिट्रेंचमेंट क्या चीज के लिए, चॉकलेट जैसे ये फंडू वाला कॉम्बिनेशन है ना ये। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, मेजर रीजंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस फॉलोइंग डिफरेंट ग्रैंड स्ट्रेटेजीज। हम जो नौ पॉइंट लिखवाए ना रे, वो शॉर्ट नोट का काम करेगा, कंपैरिजन का काम करेगा, डेफिनेशन, रीजन सब काम करेगा वो। तुम बता स्टेबिलिटी क्यों करते हैं, रीजन क्या, पीपल लाइक टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड एनवायरमेंट इज स्टेबल, लेस रिस्की है, लेस चेंजेस है, पीपल फील कंफर्टेबल व्हाट दे आर एंड एनवायरमेंट इज स्टेबल। ये सब लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया बताओ। एक्सपेंशन कब फॉलो करते हैं, जब एनवायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज एनवायरमेंट में, इंक्रीज है, यानी क्या है, डायनेमिक, कंट्रोल ओवर मार्केट चाहिए आपको। एक्सपीरियंस कफ का फायदा उठाइए, सर एक्सपीरियंस कफ क्या होता है, बहुत पहले पढ़ते हैं ये सब। एज द फर्म गेन्स एक्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस इन द प्रोडक्शन, इट लर्न्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। जैसे अरे एक्सपीरियंस का बोलते हैं, जैसे जैसे तुम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करते रहेगा, तुम्हारा कॉस्ट क्या होता जाएगा कम। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कब फॉलो होता है, जब एनवायरमेंट क्या है, थ्रेटनिंग, एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल टू प्रॉफिटेबल, कुछ नया है क्या। कॉम्बिनेशन कब फॉलो करते हैं, एनवायरमेंट इज व्हाट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब समझ आ रहा है, डिफरेंट एसबीयू फॉलो डिफरेंट एसबीयू स्पेस डिफरेंट एनवायरमेंट। ये देखो इट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट बिजनेस, यानी डिफरेंट एसबीयू बोलो, ये सब पढ़ चुके हैं ना रे, डेफिनेशन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, यहां से पढ़ने का दरकार नहीं है। टर्नअराउंड स्टडी में आओ, टर्नअराउंड स्टडी एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, रिट्रेंचमेंट में भी आइदर इंटरनल और क्या बताओ, एक्सटर्नल, इंटरनल रिट्रेंचमेंट नोन एज टर्नअराउंड स्टडी, इंटरनल रिट्रेंचमेंट नोन एज टर्नअराउंड स्ट्रेटजी। बताओ इसका डेंजर साइंस यानी इंडिकेटर्स कितना तो बताए थे, मार्क करो, डेंजर साइंस को हाईलाइट करो। अरे पहले डेंजर साइंस को हाईलाइट कर दो, पिछला पन्ना में था नीचे की तरफ, अब हुआ। हम तो देख रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं हां कर दिया ना। डेंजर साइंस सर यानी इंडिकेटर सर, पांच तो था ना, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव प्रॉफिट, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, एंड क्या बताओ ना, मिसमैनेजमेंट। कितना स्टेप्स बताए थे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में, पांच। पहले तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक ब्रैकेट लगाओ, स्टेज फाइव तक। एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी में स्टेज वन से स्टेज फाइव तक ब्रैकेट लगाओ। देखो सबसे पहले स्टेज वन क्या था पता है ना, करेंट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द करेंट प्रॉब्लम। इसमें हम दो चीज बताए थे, गो टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डैमेज ऑलरेडी कॉज्ड। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करेंट प्रॉब्लम, असेस द करेंट प्रॉब्लम।
एंड गो टू द क्या बताओ ना रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम इज कॉज्ड. फाइंड द रूट कॉज एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इट इज ऑलरेडी कॉज्ड. स्टेज टू, एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाने बोले थे ना रे, एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप स्ट्रेटजी प्लान, यही वो प्रिलिमिनरी प्लान है. इसमें हम दो चीज बोले थे, आइडेंटिफाई करो अपना कोर बिजनेस प्रोसेस एंड द चांस ऑफ सर्वाइविंग द कोर बिजनेस. बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंजेस डिटरमाइन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, यानी डेवलप प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान. बोले थे ना प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान, वन शुड लुक फॉर द कोर बिजनेस, एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द एरियाज ऑफ कंपेटिटिव पोजिशन, अपना कोर बिजनेस और उसका स्ट्रेंथ वीकनेस. इंप्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान, एन एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी डेवलप टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव. ये प्लान में ह्यूमन रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशनल एक्शन आएगा टू रिस्ट्रक्चर द डेट, इंप्रूव वर्किंग कैपिटल, रिड्यूस कॉस्ट. बोले थे ना स्टॉप ब्लीडिंग द लॉसेस, तो इस प्लान में ह्यूमन रिसोर्स प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशनल प्लान सब आएगा. फाइनेंशियल प्लान, मार्केटिंग प्लान, ह्यूमन रिसोर्स प्लान, ऑपरेशन प्लान. स्टेज फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस में यहां पर एक स्टार मार्क दे दो, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस में, और ये सब करो. ये है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी जो है ना, यही है वो, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस. रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस में स्टार मार्क दिया. अब रीस्ट्रक्चर में क्या हम बोले थे, क्या करोगे, चेंज क्या करोगे, टॉप मैनेजमेंट, अरे उसी के कारण तो ये दिन देखना पड़ रहा था उन लोगों को. क्रेडिबल बिल्डिंग एक्शन बोले थे ना, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, क्या करोगे इसमें, मीडिया को क्या करोगे, कॉन्फिडेंस फैलाओगे. क्विक कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट फटाफट क्या करोगे, घटाओगे, जो जो मांग करा रहे बस वही. रेवेन्यू जनरेट करोगे, एसेट को बेचोगे कैश के लिए, बेटर मैनेजमेंट यानी इंटरनल कोऑर्डिनेशन. बहुत सिंपल सिंपल है, फटाफट वापस से पॉइंट्स बताओ मेरे को, क्या था, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, सेल ऑफ एसेट, इंटरनल कोऑर्डिनेशन. स्टेज फाइव क्या था बताओ तो, रिटर्निंग टू नॉर्मल. कब रिटर्न टू नॉर्मल हो गए, इन द फाइनल स्टेज ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगन टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह आना चालू हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया, बस प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एक आखिरी टॉपिक है, पांच मिनट लगेगा, बहुत सिंपल है, स्ट्रेटेजिक अलायंस. जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं वही ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए अलायंस बनाया जाता है. बिहार में जैसे बीजेपी को रोकने के लिए लल्लू यादव, नीतीश सब मिल गया था, याद आया, लल्लू यादव, नीतीश कुमार, आई कॉल हिम लल्लू, यू कॉल लालू वगैरह, लल्लू यादव, नीतीश कुमार सब मिल गया था, महागठबंधन, कांग्रेस वगैरह सब, रोक भी दिया था बीजेपी को, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव रोक भी दिया, तभी तो नीतीश कुमार बना रहे बस यार. उसके बाद नीतीश और लल्लू में लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर बीजेपी आ गया. अलायंस समझ में आ रहा, अलायंस, वॉट यू कैनॉट अचीव सिंगली, फॉर दैट थिंग वी हैव टू मेक एन अलायंस. बनाया, Alliance is a relationship between two or more businesses that enable each to achieve certain objective which neither would be able to achieve on its own. Kuch aisa cheez achieve karna jo akele hum log achieve. So what is alliance? Relationship between two or more businesses, relationship between two or more that enable them to achieve some objective which neither of them can achieve on their own. But yet remaining independent. Likh do. बट येट रिमेनिंग इंडिपेंडेंट. नच थोड़ी ना हो गया, घुस थोड़ी ना गया, नया पार्टी थोड़ी ना बना लेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा. बट येट रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, येट रिमेनिंग इंडिपेंडेंट. अब अलायंस का एडवांटेजेस का अगर बात करें, क्या चीज का एडवांटेजेस अगर हम बोले तो पोज, पोज पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज यानी ऑपरेशनल्स का एडवांटेज, स्ट्रेटेजी का एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज. पोज बोलो, पोज का स्पेलिंग बोलो,
पीओएसए अलायंस बना करके क्या होगा? अच्छा अब पॉलिटिकल पार्टीज का बात मत करना, बिजनेस का बात करना। बिजनेस ब्लॉक अगर अपना क्या बना लेगा? अलायंस। पॉलिटिकल फायदा होगा। पॉलिटिकल फायदा कैसे होगा? पॉलिटिकल फायदा कुछ इस प्रकार होगा, अगर एक इंडियन कंपनी मर्ज करे फॉरेन कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी मर्ज करे किसके साथ? अलायंस बना रहा है, तो फॉरेन कंपनी को जो अप्रूवल इंडिया में चाहिए वो इंडियन कंपनी के जरिए मिल जाएगा, और मेरे को जो फॉरेन गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए वो फॉरेन कंपनी दिला देगा। आप समझ ही नहीं रहे क्या बोला जा रहा है? यहां का कानून मेरे को पता है, मैं आपको सारा अप्रूवल दिला दूंगा, लेकिन फिर आप अपने एरिया में, अपने कंट्री में मुझे सारा अप्रूवल दिलाइएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये हो जाएगा पॉलिटिकल फायदा, एक दूसरे के देश का कानून हम लोग कंप्लाई करवा देंगे। ऑपरेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फायदा में स्किल्स चेंज होगा ना, आज अलायंस बनेगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉय तुम्हारे अंदर स्किल्स ट्रांसफर करेंगे, तुम्हारे इंप्लॉय मेरे यहां पर स्किल ट्रांसफर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, शेयर ऑफ स्किल एंड स्ट्रैटेजी शेयर होगा हम लोग का, धंधा करना आएगा। क्या करना आएगा? धंधा। और बताओ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट घट जाएगा। एडवांटेजेस में देखो, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा अभी तो बताएं, नेसेसरी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पार्टनर, स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, नेसेसरी स्किल्स एंड, बताओ ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑब्टेन करेगा, हम लोग क्या हासिल करेंगे? स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स। इकोनॉमिक फायदा क्या होगा? रिडक्शन इन कॉस्ट, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्ट्रैटेजी का फायदा होगा, राइवल्स कैन ज्वाइन टुगेदर। नहीं समझा रहे बाबा, एक अभी हम लोग एक दूसरे का टांग खींचे थे, अभी क्या होगा? राइवलरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक। और क्या है? पॉलिटिकल। समटाइम्स स्ट्रैटेजिक अलायंसेस आर फॉर्म्ड विद लोकल फॉरेन बिजनेस टू गेन एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट। समझ में आया क्या बोले? इससे लीगल बैरियर जो है वो खत्म हो जाएगा। अरे भाई आप मेरे को वहां लॉ कंप्लाई करवा दोगे ना, लीगल बैरियर क्या हो जाएगा? खत्म। डिसएडवांटेज भैया है, अरे बाबा एडवांटेज क्या था? पोज। अच्छा बाबा जी लोग लिखा ही होगा पोज, नहीं आप लोग थोड़ी ना, बाबा जी लोग बाद लोग पोज लिख दिया होगा रे बाबा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है अलायंस का? सिक्रेसी लॉस हो गया, लॉस ऑफ सिक्रेसी, मेरे को शेयर करना पड़ेगा ना रे बाबा। तो अगर हम अपना रिसोर्सेस क्या किए, तो मेरा जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी ट्रांसफर हो गया, और फ्यूचर में अगर टूट पड़ गया तो मेरा नया कंपेटिटर पैदा हो जाएगा, अलाई विल टर्न इनटू अ कंपेटिटर। देखो द मेजर डिसएडवांटेज इज शेयरिंग, इट मे ऑल्सो क्रिएट अ पोटेंशियल कंपेटिटर, अलाई मे बिकम कंपेटिटर इन फ्यूचर व्हेन इट डिसाइड्स टू सेपरेट आउट। हीरो होंडा, अब हीरो का कंपेटिटर है होंडा, पहले एक जमान पर आता था हीरो होंडा, अब हीरो होंडा का क्या हो गया? पहले अलायंस, अलायंस सेपरेट होने के बाद क्या हो गया? कंपेटिटर हो गया। समझ में आया? आज के लिए काफी है क्या मेरे बच्चों? कब मिलेंगे? मंडे मॉर्निंग नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय। है कि नहीं है? मंडे में अनाउंस करेगा, याद दिलाना भाई।